मतलब हाई रिच पे उनका जीतना तय है, बट एंटिटी की स्क्वाड रश करते हुए गॉडल पे 3v4 का सिचुएशन है। गॉडल वर्सेस एंटिटी होता हुआ गिल की बात के दूसरे साइड पे है। गॉडल कैरी दूसरे साइड से शॉट लेने की कोशिश करेंगे, नहीं हो एक बार फिर से हेड शॉट देने की कोशिश करते ड्रॉप है दूसरे साइड पे, देखते हैं वहां पे कौन सी टीम है जो फ्लेयर ड्रॉप मंगा के बैठी हुई है। गॉडल एग्जिस्ट की बात करें, चार मैन स्टैंडिंग अभी भी है गॉडल की टीम। एक हाई रिच पकड़ लिया गया है और अभी के लिए होल्ड करेंगे थोड़ी देर। एक एम पे 6x लगा रखा है, लगभग फुल 6x है या फिर 3x पे रिड्यूस किया है वो देखना पड़ेगा। एक फ्लेयर गन सामने के साइड पे मुझे लगना पड़ेगा। टीटी स्क्वाड जस्ट सामने है, गॉडल एक्सिस मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए। एक यहाँ पे डेप है, यहाँ पे होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। एसजी के टेट डाउन होते हुए भीष्मा के द्वारा और टीटी से स्प्रे डाउन हुए, गॉडल एक्सिस अकेले है यहाँ पे। मेगा स्क्वाड की बात करें तो चार के चार मेंबर्स ऊपर के साइड पे। टीटी स्क्वाड वर्सेज गॉडल के एक्सिस हो सकता है, मिस्टर स्प्रे को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। गॉडल के बाकी सारे मेंबर्स काफी ज्यादा दूर है, उनको जल्दी कवर देने के लिए आना पड़ेगा। मिस्टर स्प्रे पे एक नेट किया तो सही, कंफर्म किया उस नेट से, बेहतरीन नेट आता हुआ बट अपनी पोजीशन भी दे दी है। टीटी स्क्वाड जस्ट पीछे के साइड पे, 1v2 का सिचुएशन है एक्सिस के लिए। मेगा की स्क्वाड ऊपर से मे बी थर्ड पार्टी कर सकती है बट एक्सिस यहां से निकलेंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा। अंदर के साइड पे हैं, ओके मैंटी ओपी को स्पॉट किया, ग्रेनेड किया तो था, उन्होंने कैसे स्पॉट नहीं किया। एक और नेट करेंगे, एक्सिस शॉट बहुत ज्यादा प्यारा, कैरी को डाउन किया, पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए बट अभी के लिए मैंटी ओपी को रिवाइव करेंगे। पीछे से नेट आता हुआ, आई गेस एक्सिस 1 HP पर बचे हुए। एलिमेंट के अल्ट्रॉन डाउन होते हुए आईपी मैन के द्वारा एम की स्क्वाड पूरी तरीके से स्पॉट कर सकती है। बाहर के साइड पे एक्सिस बैठे हुए थे, एस्टक के आरबी नॉट बॉट डाउन होते हुए 420 ओपी के द्वारा एक्सिस अपने आपको हील करेंगे। मेगा स्क्वाड अभी भी ऊपर है, एम की स्क्वाड की बात करें तो वो पीछे के साइड पे। गॉडल के बाकी सारे मेंबर्स पीछे के साइड पे हैं, एम के ज्यूज भी पीछे हैं। एलिमेंट ईस्पोर्ट्स की बात करें वो भी पीछे के साइड पे हैं। गॉडल स्मोकी और बाकी सारे मेंबर्स काफी ज्यादा दूर हैं, एक्सिस से जल्दी ही कवर देने के लिए आना पड़ा। एक ही व्हीकल है, थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। गॉडल स्क्वाड के 3 मेंबर अगर एक साथ स्प्रे करेंगे तो गाड़ी इजी बर्स्ट हो जाएगी। बाकी अभी भी ऊपर से शॉट्स पड़ रहे हैं, इनपे साइड पे शॉट्स दे रही है। टीम नंबर 18 है, गॉडल की स्क्वाड सामने के साइड पे निकल रही है। स्मोकी ओपी काफी ज्यादा डैमेज लेते हुए इनके ज्यूस फिनिश किया गया। गॉडल के आगे 4 के 4 मेंबर्स जिंदा है, नहीं एक्सिस को नॉकआउट करके फिनिश किया था। बाकी अभी भी जोन के अंदर निकलेंगे, एलिमेंट ईस्पोर्ट्स के अंदर है बट आईएनडी के जोकर स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिक्चल को स्पॉट किया जाएगा गॉडल के द्वारा, पूरी तरीके से फिनिश भी किए जाएंगे जस्ट ऊपर के साइड पे, ये भी जोन के अंदर है। ओके बट एक बढ़िया नेट स्मोकी के द्वारा नॉकआउट किया जी के स्ट्राइडर डाउन होते हुए एंटिटी जोनाथन के द्वारा। एंटिटी स्क्वाड काफी ज्यादा फाइट ले रही है, 7 डाउन होते हुए, 7 डाउन करते हुए क्लच गॉड को कैल्सम यहाँ पे डाउन और पूरी तरीके से फिनिश होते हुए आस्टेक स्पॉट। आईएनडी जोकर डाउन होते हुए क्लाउनी के द्वारा। आईएनडी स्क्वाड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थ में थोड़ा सा यहाँ पे सैंडविच कर सकते हैं बाकी सारे मेंबर्स को। टीम नंबर 18 केवल जोन के अंदर है, गॉडल केवल जोन के अंदर है, बाकी सब जोन के बाहर है। ट्रांस भी डाउन होते हुए कैरी के द्वारा, 7 सीज के फाइनल बॉस प्ले जोन के बाहर डाउन। अर्थ में स्मोक के अंदर है, अच्छा बॉल बनाया उन्होंने। स्ट्राइड कोर्स की बात करें तो जोन के लगभग बाहर है, आर्टमिस को स्पॉट किया, स्मोकी ने इस बिल्कुल व्हाट उन्होंने स्पॉट किया था, सच में स्पॉट किया था बट उन्होंने शॉट नहीं दिया। पता नहीं शॉट दिया या नहीं दिया, उनको दिखा या नहीं दिखा बट मुझे जरूर दिखा। स्मोकी दूसरे साइड पे और एलिमेंट फॉस और अल्ट्रॉन की बात करें तो वो दूसरे साइड पे अभी शॉट ले रहे हैं। अल्ट्रॉन सामने के साइड पे फंस सकते हैं और फंस भी चुके हैं। गॉडल स्क्वाड इजी चिकन डिनर ले सकती है, उनके पास जोन है और कोई भी टीम जोन के अंदर है नहीं। सोल स्क्वाड की बात करें वो भी अभी जिंदा है बट उनको भी जोन के अंदर आना पड़ेगा। स्मोकी ने स्पॉट किया है, आर्टमिस काफी ज्यादा देर से वो स्मोक के अंदर ही है, वो स्मोक खत्म नहीं हो रहा। स्मोकी बार बार वहीं पे स्मोक स्कोप कर रहे बट वो शॉट्स नहीं दे रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दे रहे बट कम से कम एक फ्री फायर तो दे सकते थे, ओके आर्टमिस ने डाउन किया यहाँ पे आईएनडी के एक मेंबर को। एलिमेंट ईस्पोर्ट्स की बात करें तो नीचे के साइड पे है फ्रॉस्ट और अल्ट्रॉन, खैरी ऊपर के साइड पे जा चुके हैं। जी गॉड और एंटिटी के 4 के 4 मेंबर जिंदा हैं, गॉडल के 3 जिंदा हैं। एलिमेंट ईस्पोर्ट्स जो मतलब हाई रिच पे उनका जीतना तय है बट एंटिटी की स्क्वाड रश करते हुए गॉडल पे 3v4 का सिचुएशन है। गॉडल वर्सेस एंटिटी होता हुआ गिल की बात के दूसरे साइड पे है। गॉडल कैरी दूसरे साइड से शॉट लेने की कोशिश करेंगे, नहीं हो एक बार फिर से हेड शॉट देने की कोशिश करते, पूरा स्प्रे कंटिन्यू रखा और उनका रीलोड आई गेस हुआ और पूरी तरीके से फिनिश भी हुआ। स्मोकी ने डाउन किया ट्रांस को, एंटिटी स्क्वाड भी एलिमिनेट होती हुई। 4 टीमें और 9 मेंबर्स अभी भी जिंदा है, गॉडल के 3 और एंटिटी के 3, सोल डगल टोस अकेले बचे हुए। 4th मेंबर कौन है, ओके नहीं दे सकते बट गॉडल स्क्वाड थोड़ा सा सैंडविच कर सकते हैं एलिमेंट स्पोर्ट्स को। स्मोकी की बात करें दूसरे साइड से रोटेट कर सकते हैं, एक नेट किया है, क्लच स्क्वाड को बचाने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा खासा उनके पास कवर है जहां से वो उनको रिवाइव कर सकते हैं, यस बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यारा कवर है, वहां से आप देख नहीं सकते। एक नेट करेंगे फिर उसके बाद नॉकआउट हो सकते हैं बट अभी के लिए स्मोक से भर दिया गया है वो जगह। रेगल्टोस अभी भी नीचे के साइड पे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट कोई भी चांस है नहीं उनके पास ऊपर चढ़ने का। शायद यहां से
ना यहाँ से नहीं चढ़ सकते, और मुझे नहीं लगता अभी ये चढ़ पाएंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाके जोन के एच पे स्टिक होना चाहेंगे, बट अभी के लिए गॉडल स्क्वाड जब तक यहाँ पे फाइट ले रही है एंटिटी और एलिमेंट स्पोर्ट से, तब तक के लिए वहां पे रुकना पड़ेगा। और कैरी क्या बेहतरीन फ्लैंक दिखाते हुए दूसरे साइड से आए हैं, जैसे स्पॉट करेंगे बाकी सारे मेंबर्स को फिनिश करने की कोशिश की जाएगी, और मे भी आगे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकते थे, बट अभी के लिए चढ़े नहीं। एंटिटी के क्लच को डाउन होते हुए फ्रॉस्ट के द्वारा एलिमेंट के दो मेंबर और गॉडल के तीन और एंटिटी स्पॉट के तीन, बट जी गॉड भी डाउन होते हुए फ्रॉस्ट के द्वारा बेहतरीन स्प्रे फ्रॉस्ट का आता हुआ जिगोट को फिनिश किया गया। जोनाथन अकेले बचे हैं अपनी टीम से, आई गेस यस बिल्कुल जोनाथन बचे हैं और 1 और 2 HP पे जिंदा है, वो भी पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाएंगे और एंटिटी स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट हो चुके हैं। टॉप 3 टीम यहां पे देखने को मिलती हुई, बट गॉडन स्क्वाड ऊपर से शॉट देगी, फ्रॉस्ट को डाउन किया, अल्ट्रॉन भी डाउन होंगे और अब केवल रेगल्टोस अकेले बचे अपनी टीम से, हील बैटल कर रहे हैं, कहां पे ही हील बैटल कर रहे हैं, नीचे खड़े थे और अभी के लिए जोन के अंदर आ जाएंगे। यस किस्मत अच्छी, अभी के लिए भी जोन के अंदर आ जाएंगे, बट गॉडल पूरी तरीके से रश करेगी। सोल की स्क्वाड की बात करें तो 2 किल्स हैं, बट रेगल्टोस सेकंड पोजीशन पे लाते हुए अपनी टीम को, सब्सक्राइब मारो और सब्सक्राइब कर देना। सोल रेगल्टोस डाउन और इसी के साथ गॉडल स्क्वाड चिकन डिनर लेते हुए विद बहुत ज्यादा किल्स, आई गेस इनके पास है टोटल 10 किल्स।